देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। ड्रामा क्वीन राखी सावंत वैसे तो आए दिन कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट कर सुर्खियों में बनी रहती हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से राखी अपने पति को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि राखी सावंत का पति कौन है, कैसा दिखता है, इसका जवाब सभी लोग जानना चाहते हैं। राखी ने दुनिया को अब तक अपने पति के नाम और काम के अलावा कुछ नहीं बताया है। राखी सावंत के पति की तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन अब जल्द ही लोगों को राखी सावंत के पति रितेश के दीदार हो सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राखी सावंत के पति रितेश बिग बॉस सीजन 13 के ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में नजर आ सकते हैं। खबरें हैं कि सलमान के शो में प्रीमियर के दिन राखी अपने सीक्रेट पति रितेश के साथ दिखेंगी। राखी सावंत खुद इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि उन्हें बिग बॉस 13 के लॉन्च एपिसोड में बुलाया गया है, जहां वे अपने ब्रांड न्यू वीडियो सॉन्ग छप्पन छुरी पर परफॉर्म करने वाली हैं। इंस्टा पर राखी ने वीडियो शेयर कर कहा था, मैं छप्पन छुरी सॉन्ग पर बिग बॉस में ओपनिंग एक्ट कर रही हूँ। थैंक यू सलमान मुझे सपोर्ट करने के लिए। पिछले कितने सीजन में मैंने सलमान खान के साथ परफॉर्म किया है। मैंने आज ही मैसेज किया सलमान खान और कलर्स को, और वो इस बात से सहमत है। राखी सावंत का सॉन्ग छप्पन छुरी काफी पॉपुलर हो गया है। इस गाने को टीवी और भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सभी अपने फैन से राखी का ये वीडियो सॉन्ग देखने की अपील कर रहे हैं। छप्पन छुरी सॉन्ग में राखी सावंत ने जबरदस्त डांस किया है। इस गाने को सिंगर मंदाकिनी बोरा ने गाया है। वहीं बिग बॉस 13 के ग्रैंड प्रीमियर पर परफॉर्म करने वाली राखी सावंत का बिग बॉस से पुराना नाता है। वो बिग बॉस के पहले सीजन में नजर आ चुकी हैं, जिस वजह से दोबारा राखी सावंत को बिग बॉस के मंच पर देखना खास होगा। शो के प्रीमियर एपिसोड में राखी के आने से धमाल मचना लाजमी है। वैसे इससे पहले भी राखी बतौर गेस्ट शो में डांस का जलवा बिखेर चुकी है। अब देश के सबसे बड़े रियलिटी शो में जब राखी सावंत अपने पति को दुनिया के सामने लाएंगी तो धमाल मचना तो तय है ना। शो की टीआरपी को भी इससे काफी फायदा मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार बिग बॉस 13 इस साल 29 सितंबर से कलर्स पर शुरू होगा। शो के लिए जिन सेलेब्स का नाम सामने आ रहा है उनमें सीआईडी फेम दयानंद शेट्टी, एक्टर चंकी पांडे, राजपाल यादव, देवोलीना भट्टाचार्य, सिद्धार्थ शुक्ला, टिकटॉक स्टार मिस्टर फैजू का नाम शामिल है। हालांकि बिग बॉस के घर में इस बार कौन नजर आएगा, इसका खुलासा 29 सितंबर को प्रीमियर एपिसोड पर ही होगा। बिग बॉस 13 के अब तक 3 प्रोमोज रिलीज कर दिए गए हैं। रिलीज किए गए प्रोमोज से जहां शो में चेंजेस की तरफ इशारा किया जा रहा है, वहीं प्रोमोज फैंस की एक्साइटमेंट को भी बढ़ा रही हैं। एक प्रोमो में सलमान टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति के साथ फ्लर्ट करते नजर आ रहे हैं। इस बार बिग बॉस के फॉर्मेट में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि इस बार जल्लाद का कैरेक्टर शो पर नजर नहीं आएगा। सलमान की फीस बढ़ाकर इस बार 13 करोड़ पर एपिसोड कर दी गई है, तो वहीं शो का विनिंग अमाउंट भी 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। इस बार सिर्फ 4 हफ्तों में ही कुछ कंटेस्टेंट को फिनाले का टिकट भी मिल जाएगा। इसके अलावा बिग बॉस 13 का सेट भी इस बार लोनावला में नहीं बल्कि फिल्म सिटी गोरेगांव में लगेगा। HS News के लिए प्रीति राजपूत की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें HS News, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।